हे गाइस, देखो स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में हमें जानकारी लेते रहना चाहिए। देखिए सर, कल के रेट में ही एक खबर आई है सर, कल के रेट में 13 सितंबर, आज है सर 14, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा कितना, 2 लाख करोड़, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर, बहुत बड़ा अमाउंट है। बताया जा रहा 2 लाख करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, टू बी अप्रूव्ड बाई दिसंबर सर। मतलब अगर सोचो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो सर कितने सारे कंपनियों को बड़ा बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि सर 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमाती ही कितना है सर, कितना कमाती है सर, मान लेते हैं सर 1000 करोड़ कमा रही है, तो सर मान लेते हैं 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर उनमें से छोटा काम भी अगर इनको मिल जाता है तो सर इनके प्रॉफिट डबल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर? बिल्कुल हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा पक्का। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है, गवर्नमेंट इज सेट टू अप्रूव द हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 2 लाख करोड़ सर बाई दिसंबर। यूनियन मिनिस्टर यहाँ देख सकते हो जो भी है, रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने सर यहाँ पर अनाउंस किया है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है सर। देखिए सरकार का क्या मानना है, गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है सर, गवर्नमेंट बोल रही है गवर्नमेंट फोकस यहाँ देख सकते हो रिमेन ऑन द कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड क्लास हाईवे सर, वर्ल्ड क्लास, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर इतना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। बताया जा रहा दैट रिड्यूस ट्रैवल टाइम सर, मतलब एक डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ जाने में मान लेते हैं कि आपको लगभग 2 घंटे लगते हैं, वही जाने में सर आपको केवल 30 मिनट लगेंगे, आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। सरकार जो है उस तरीके से मतलब आपका टाइम जो है बचा देगी सर। यहाँ पर बताया जा रहा प्रमोट ट्रेड, ट्रेड को प्रमोट करेगी, मतलब आप अपना बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से करो सर। जहाँ पर जो मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ लेके जाने में मान लेते हैं कि केवल ट्रांसपोर्ट की वजह से आपको 2 दिन लगता है, तो आप 1 दिन लगेगा, तो होगा क्या कि लोगों को जब जल्दी डिलीवरी मिलेगी तो सर लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करना स्टार्ट कर देंगे सर, क्योंकि उनको जल्दी डिलीवरी मिलेगी सर, ठीक है। बताया जा रहा उसके साथ साथ सर इंश्योर रोड सेफ्टी, सेफ्टी वगैरह पर भी सर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि सेफ्टी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर देंगे सर। यहाँ पर 15-20 कंपनियां हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जिनको काफ़ी बड़ा बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो सर सरकार की तरफ से बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो बड़े बड़े टेंडर लेती है सर। जैसे अगर आप देखोगे GMR एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, अदानी पोर्ट हो जाएगा सर, इसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, अशोक बिल्डकॉन देखने को मिल जाएगा सर, अशोका बिल्डकॉन, PNC इंफ्रा हो जाएगा, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। उसके साथ साथ ओम इन्फ्रा आपको देखने को मिलेगा, पटेल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा, HG इंफ्रा आपको इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, ये सब आपको जो है सर लगभग जो है NCC आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं सर, ये सारी कंपनियों को सर डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे एक कंपनी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे ओम इंफ्रा है सर, ओम इंफ्रा लगभग 180 में देखने को मिला है। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो सर आपको डर लगेगा, क्यों? क्योंकि सर ये देख लीजिए नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है सर, तो डर केवल उन्हीं को लगेगा जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं सर, डर उनको नहीं लगेगा जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं सर वो कभी डरते नहीं, क्योंकि उनको पहले से सब कुछ पता होता है सर। आप बोलेंगे क्या इंटरनल इन्फॉर्मेशन होता है? सर इंटरनल इन्फॉर्मेशन नाम की जो चीज़ होती है सर वो होती नहीं है इस दुनिया में, वो चोरी होती है सर एक तरीके से, उनको छोड़ो ठीक है। कंपनी के बारे में सर पूरी जानकारी रखो, आपको लॉस हो ही नहीं सकता, लेकिन आप जानकारी नहीं रखोगे, तुक्का मारोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तुक्का मारोगे, समझोगे नहीं, तुक्का मारोगे तो सर रिसर्च हो जाएगा, तो फिर आपको लॉस होगा और फिर डर भी लगेगा सर अगर स्टॉक गिरेगा तो, ठीक है। तो जो लोग रिसर्च किए हैं उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सच में एक अच्छी कंपनी है, दमदार और ताकतवर कंपनी है सर, इससे कोई मतलब दो राय नहीं है इसमें। NCC सर राकेश झुंझुनवाला का फेवरेट है, हाँ राकेश झुंझुनवाला का फेवरेट है सर। आज ये 300 रुपये में है, लेकिन सर ये जो दिख रहा है ना ये जो प्राइस, इसको एक वर्ड रिमूव कर देना है सर, 16 रुपये में सर राकेश झुंझुनवाला ने खरीदा था कोविड के टाइम पे, जब सबसे ज़्यादा स्टॉक गिर के आ चुका था सर, इसका सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जो है सर वो 16 रुपये का, 17 रुपये दिख रहा है ना सर, लेकिन ये 16 रुपये पाया था, ठीक है। गूगल कभी भी सर चार्ट गलत दिखाता है, 16 रुपये पाया था और राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ खरीदा था, और उसके बाद आज अगर देखना चाहते हो तो सर ये स्टॉक यहाँ से लगभग जो है 17 गुना हो चुका है सर, 17 गुना हो चुका है सर। NCC के बारे में सर कौन मतलब नहीं जानते हैं सर, NCC बड़े बड़े लेवल में अच्छा काम करती है सर कंपनी, जितना ज़्यादा जानकारी रखोगे कंपनी के बारे में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेलवे हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, माइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा, हर तरफ से सर कंपनी जो है लगभग काम करती है। यहाँ देख सकते हो लगभग जो है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है सर, सारे के सारे फील्ड में सर कंपनी काम करती है सर, ऐसा वाटर इन्वायरमेंट के रिलेटेड सर बिल्डिंग्स वगैरह हो जाता है, चारों तरफ से सर ये कंपनी काम करती है सर। और उस टाइम राकेश झुंझुनवाला ने एक छोटा पैसा डाला था, आज की डेट में सर उनके लिए ये मतलब एक वरदान सा साबित हो चुका है। और पान इंडिया प्रेजेंस है सर, पान इंडिया प्रेजेंस मतलब इंडिया के कोने कोने में सर ये कंपनी काम करती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो लगभग कहाँ, चेन्नई बेंगलोर से लेकर सर लगभग पटना, यहाँ देख सकते हो लखनऊ तक कंपनी काम करती है सर, मतलब इस भारत के कोने से उस भारत तक जा चुके हैं सर, इस भारत के कोने से इस भारत तक जा चुके हैं, इस भारत के कोने से लेकर इस भारत तक जा चुके हैं सर, मतलब भारत के कोने कोने में आपको देखने को मिल जाएगा सर, ऐसा है।
मैं आपको इतना बोलूँगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आपको कंपनी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से देखिए, और कम से कम से देखिए कि आने वाले 4-5 सालों में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनियों में, क्योंकि सर इस कदर जो डील हो रही है ना बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा सरकार पैसा खर्च करिए तो सर अभी बजट भी आ जाएगा, बजट में भी सर कुछ अच्छा खासा अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, तो अगले 5 साल सर कुछ नहीं तो फिर भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। यह कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज है सर।